चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। अच्छा, कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, समझ गया। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा। डिफेंड करते हैं। एक भाजपा का समर्थक महंगाई को ऐसे डिफेंड कर रहा था, हमने कहा कि रे भाई, तुम अपना वाला चश्मा हमको दे दो, तुम्हारा चश्मा लगा देते हैं तो हमको महंगाई भी अच्छा लगने लगेगा। आज से पहले देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि महंगाई के फायदे गिनाए गए थे? ये बड़ी अच्छी बात कही। ऐसा हुआ था क्या जब रुपए ऐतिहासिक तौर पर डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पे चला गया है, तो एक बिका हुआ पत्रकार टीवी पे आकर के कह रहा था कि देखिए रुपया कमजोर हो गया है, इसका क्या क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो डॉलर में पैसा कमाते हैं, तो वो वहां अगर $1 कमाएंगे तो उनको 100 रुपया हो गए। हम बोले प्रचंड मूर्ख है। कि भारत से बाहर भारत के कितने लोग रहते हैं? भारत के भीतर भारत के लोग ज्यादा रहते हैं ना। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर रुपए की कीमत कम होगी तो हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं वो सामान महंगा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। और सामान जब महंगा होगा तो महंगाई से लोगों की जान निकल जाएगी। और महंगाई का हालत ये है, महंगाई है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को महंगाई दिख रही है? क्या बात है सर, ये बात है। अरे सर, क्या बात, महंगाई सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल पंप पे अगर आप भाजपा का बिल्ला लगा करके जाइएगा तो पेट्रोल आपको 50 रुपये लीटर मिलेगा। ऐसा है क्या? हिंदू को भी 100 रुपया, मुसलमान को भी, दलित को भी, ब्राह्मण को भी, महिला पुरुष सबको कोई छूट नहीं। तो जब महंगाई हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा है तो प्रभु आप लोग का है हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं?